दतिया जिले के तहसील इंद्रगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल प्राचार्य ने बनाए नियम। स्कूल में छात्राओं के जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सही समय पर कक्षाएं भी लगती है। सभी टीचर्स बालिकाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। छात्राओं को कोई असुविधा न हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। साथ ही स्कूल के प्राचार्य निलय सिहारे ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर हमने कड़े नियम बनाए हैं जिनका पालन विद्यालय के समस्त छात्राएं करती है। बाल तत्वों का विद्यालय में प्रवेश बंद है। छात्राओं के अभिभावकों के अतिरिक्त स्कूल में कोई नहीं आ सकता। गेट पर पूर्ण सुरक्षा है। हेल्थ केयर और ब्यूटी केयर से संबंधित विषय पर कक्षाएं दी जाती है। बालिकाओं की हाइजीनिक को लेकर भी पैड नैपकिन बेडिंग मशीन विद्यालय में लगाई गई है। छात्राओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इंद्रगढ़ दतिया से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। अब मैं कट कर दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए कि आपको स्कूल में कोई असुविधा तो नहीं होती, असुरक्षित फील तो नहीं होता? नो मैम। और कुछ भी मतलब सारी सुविधाएं हैं, साफ सफाई वगैरह सब कुछ ठीक होता है। अच्छा और कुछ? एनी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, सब कुछ मतलब सारे टीचर्स टाइम टू टाइम क्लास में आते हैं, सारे पीरियड लगते हैं, लंच टाइम पे लंच होता है, खेल पीरियड में खेल भी होते हैं और कंप्यूटर क्लास भी रखती है हमारी बेटी। कोई असुविधा तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा ठीक है। आपकी सुरक्षा को लेकर, आप सभी बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? कोई स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, मतलब अगर छुट्टी किसी को लेनी होती है ना तो एप्लीकेशन देना पड़ता है, घर पर मैम कॉल करवा लेती हैं, उनके पेरेंट्स से परमिशन ले लेती हैं तभी छुट्टी देते हैं। और ऐसे बाहर कोई नहीं जा सकता क्योंकि भैया बाहर बैठे होते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है तो टीचर्स सॉल्व कर देते हैं उस दिक्कत को। अच्छा कोई असुविधा है आपको इस नहीं स्कूल में? नहीं हमें कोई असुविधा नहीं है और किसी को हो तो हमें पता नहीं। अच्छा बताइए मैम साफ है आपके हाइजीनिंग को लेकर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम साफ होती है वॉशरूम तो? ठीक है रोज साफ होती हैं? हाँ। अच्छा कोई और बात? नहीं मैम और कोई दिक्कत कोई भी नहीं है। आप आज हमारे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए उपस्थित हुई हैं। इस संबंध में हमारे विद्यालय में हेल्थ केयर से संबंधित एक व्यावसायिक विषय चल रहा है जिसमें छात्राओं की जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित प्रभारी मैडम उनकी समस्याएं सुनती हैं और उनको हल करने का प्रयास करती हैं। इसी के साथ हमारा हेल्थ केयर का विषय एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत के विकल्प के रूप में उसको पढ़ाया जाता है, तो उसमें शरीर की सारी समस्याएं बताई जाती हैं, कब क्या होता है, क्या चीज लिए जाते हैं है? इसके साथ ब्यूटी वेलनेस का भी कोर्स चल रहा है जी। उसमें ब्यूटी के बारे में बताया जाता है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है। अभी आप हेल्थ केयर के बारे में आई हैं तो हमारे यहाँ सभी सुविधाएँ उनके लेट बाथ भी अलग हैं, सेपरेट हैं और सभी सुविधाएँ उसमें पानी की भी सुविधा है, सभी सुविधाएँ। थैंक यू सर।